दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि उत्तराखंड महज एक नाम नहीं बल्कि अपने अंदर पूरी कायनात को समेटे हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के हिल स्टेशन किसी को भी अपना दीवाना बना सकती है और यहाँ भारत के सबसे अच्छे और खूबसूरत हिल स्टेशन भी मौजूद है, जो कि प्रकृति की एक देन है, जहाँ ना सिर्फ भारतीय बल्कि विदेशी पर्यटक भी खूब आते हैं। और इसमें से एक है कौसानी हिल स्टेशन, जो कि उत्तराखंड की वादियों में समाहित है। दोस्तों, आपको बता दें कि कौसानी हिमालय की तलहटी में बसा एक खूबसूरत सा गांव है, जो बेहद छोटा है लेकिन खूबसूरती ऐसी कि इंसान देखते ही रह जाए। यहां पर महात्मा गांधी की काफी यादें जुड़ी हुई हैं। कहा जाता है कि कौसानी महात्मा गांधी का सबसे प्रिय स्थान था, जिसे वे भारत का स्विट्जरलैंड भी कहते थे। दोस्तों, आपको बता दें कि कौसानी दिल्ली मुंबई जैसे शहरों के चहल पहल से काफी दूर है, जहां रहने वाले लोगों का पहला प्यार ही प्रकृति है, जिससे वे कभी छेड़छाड़ भी नहीं करते। और दोस्तों, यदि आप भी प्रकृति प्रेमी हैं तो यहां पर आकर कुछ दिन आप बिता सकते हैं, जो कि आपके लिए सबसे अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी साबित हो सकता है। और साथ ही साथ यहां पर आप पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद भी आप चख पाएंगे, जो कि आपकी इस ट्रिप को यादगार बना देगी। दोस्तों, आप जब कभी भी कौसानी घूमने के लिए आए तो आप यहाँ के चाय के बागान और साथ ही साथ अनासक्ति आश्रम जाएं, जहाँ पर गांधी जी रहा करते थे, और साथ ही साथ में झरने और गुफाएं भी यहाँ पर है, जहाँ पर आकर आप कौसानी को और नजदीक से एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों, इस कौसानी हिल स्टेशन में आप अक्टूबर से लेकर फरवरी के बीच कभी भी आ सकते हैं, जहाँ पर कौसानी की खूबसूरती अपने चरम पर होती है। दोस्तों, यदि कभी भी अगर आप कौसानी का ट्रिप बनाते हैं तो यहाँ तक आने के लिए आपको ट्रेन और टैक्सी किसी से भी आ सकते हैं। यदि अगर आप ट्रेन से आते हैं तो नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम पड़ेगा, जहाँ से कौसानी की दूरी 135 किलोमीटर है, और फिर वहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सी भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।